मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। राज्य के 5 जिले धीरे धीरे अनलॉक होंगे। कम संक्रमण वाले जिलों को राहत। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में आज से ढील। जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने लिया फैसला। आज से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए गए थे निर्देश। जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी दर 5% से कम वहां मिलेगी छूट। एक जून से दूसरे जिलों में भी शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। रविवार को सामने आए 3,375 नए केस। एक दिन में 75 लोगों की इलाज के दौरान हुई मौत। छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए कोरोना के 3,306 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 92 लोगों की मौत हुई। दिल्ली और मुंबई में आज भी 18+ का नहीं होगा टीकाकरण। वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन पर बैक। बाराबंकी में वैक्सीन न लगवाने के चलते ग्रामीणों ने नदी में मार दी छलांग। वैक्सीन लगाने पहुंची थी टीम। एसडीएम के समझाने पर नदी से बाहर आए ग्रामीण। 1500 की आबादी में सिर्फ 18 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। हैदराबाद में सबसे कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव शिशु ने कोरोना को हराया। जन्म के दौरान मां कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। नवजात को आईसीयू में रखकर किया गया इलाज। आखिरकार मासूम की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देश में एक्टिव केस 28 लाख के पार। अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। एक महीने में 1 लाख लोगों की मौत। देश में रिकवरी रेट 87% से ज्यादा। एक्टिव केस बढ़कर करीब 12% हुए। कोरोना से मृत्यु दर 1.12%। कोरोना से मौतों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। देश में अब तक कोरोना से 3 लाख मौतें। देश में पिछले 24 दिन में 1 लाख लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। मई महीने में रोजाना औसतन 3500 मौतें हुई। देश में पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से हुई थी पहली मौत। 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हुई। दिल्ली में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। हालात ठीक होने पर जून में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। इस बार सख्ती भी बढ़ी। राजस्थान में 30 जून तक शादियों पर रोक। सप्ताह में 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। राजस्थान सरकार का ऐलान। जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल में रहेगा वहां 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। चक्रवात यास को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी। विकराल चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है यास। आईएमडी ने दिया बयान। बंगाल और ओडिशा के तटों को पार करता हुआ झारखंड और बिहार तक अपना असर दिखा सकता है यास। यास चक्रवात से भारी नुकसान की आशंका। वायुसेना ने तैनात किए 25 हेलीकॉप्टर। एनडीआरएफ और सेना भी अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 27 मई को बंगाल और ओडिशा के तटों से यास तूफान के टकराने की संभावना जताई। ओडिशा में 2 से 3 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है तो बंगाल तटवर्ती क्षेत्रों में 3 से 4 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका। प्रसिद्ध कृष्णा ने कोरोना को मात दी। 23 मई को टीम इंडिया से जुड़ेंगे।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक खालिद महमूद हुए कोरोना पॉजिटिव। श्रीलंका क्रिकेट में आया भूचाल, सभी 24 खिलाड़ियों ने बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नकारा। टेस्ट में कम मौके मिलने पर युवराज सिंह ने जाहिर किया दर्द, कहा 7 साल तक 12वां खिलाड़ी ही रहा। जापान में विरोध के बाद भी आईओसी चीफ बाक ने कहा टोक्यो ओलंपिक तय समय पर ही होंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने जारी किए रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक पर लगे बैन से मिला फायदा। C3 एसयूवी का एक्सटीरियर हुआ लीक, कार में डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का हो सकता है इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुपरकार बीस्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक, जो बाइडेन दे सकते हैं मंजूरी। हीरो मोटोकॉर्प फिर शुरू करने जा रही प्रोडक्शन, सभी प्लांट में 24 मई से बनने लगेंगे बाइक स्कूटर। कोरोना की दूसरी लहर से ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार पर दिखा असर, कंज्यूमर खर्च में आई कमी। 24 मई को लॉन्च होगा वन प्लस की दमदार स्मार्ट टीवी 32x1 और 43x1, पहले ही सामने आए फीचर्स और कीमत। 25 मई को लॉन्च किया जाएगा टेक्नो स्पार्क 7 प्रो, 9000 से भी कम होगी कीमत। रेडमी नोट 8 का डिजाइन आया सामने, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होगा फोन। भारत में जल्द लॉन्च होंगे एसएस जेनफोन 8 और 8 फ्लिप, कंपनी ने किया कंफर्म। 15 अगस्त पर सूर्यवंशी से टकराएगी बेल बॉटम, अक्षय कुमार ने जारी किया स्टेटमेंट। संभावना सेठ ने पिता की मौत को बताया मेडिकली मर्डर, कहा हर डॉक्टर भगवान नहीं होता। कोरोना काल के दौरान टिस्का चोपड़ा ने बढ़ाया मदद का हाथ, अपने माता पिता के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचा रही खाना।